कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान के अंतर्गत मीडिया कार्यशाला का आयोजन। प्रदेश के साथ ही जिले में भी कोविड 19 टीकाकरण 16 जनवरी 2021 से प्रारंभ हो रहा है। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के इस महाअभियान में मीडिया का सहयोग भी आवश्यक है, ताकि आम जन में किसी भी प्रकार की भ्रांति ना फैले। कोविड 19 के मद्देनजर लगाई जाने वाली वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित एवं कारगर है। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान के लिए आमजन में जागरूकता लाने के लिए मीडिया महती भूमिका का निर्वाह कर रही है। यह आग्रह अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी ने कोविड 19 वैक्सीन टीकाकरण के मद्देनजर अपर कलेक्टर श्री रघुवंशी जी ने कहा कि जिले में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है, जिससे इस अभियान के तहत चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण के प्रति लोग जागरूक हों और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें, न ही किसी प्रकार के भ्रम में रहें। उन्होंने बताया कि 16 जनवरी 2021 को जिला अस्पताल स्थित शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र में कोविड 19 के मद्देनजर कोविशील्ड वैक्सीन टीकाकरण किया जाएगा, जहां प्रथम चरण में एक दिन में 100 हेल्थ वर्कर को टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में कोविशील्ड वैक्सीन के टीकाकरण का शुभारंभ सफाई कर्मचारियों को लगाकर किया जाएगा, तथा इसके बाद हेल्थ वर्करों को कोविशील्ड का वैक्सीन लगाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पी बुनकर एवं जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर विचूरकर द्वारा कोविड 19 के मद्देनजर कोविशील्ड टीकाकरण किए जाने की कार्य योजना बताई गई। आयोजित मीडिया कार्यशाला में प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण मौजूद रहे। कल सुबह 9 बजे से माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के साथ में ये टीकाकरण का कार्यक्रम कोविड वैक्सीनेशन का जिला चिकित्सालय गुना से शुरू हो रहा है, और इसमें गुना जिले को टीके की खेप प्राप्त हो चुकी है। प्रतिदिन 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। प्रथम चरण में जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर हैं उनको टीकाकरण किया जाएगा। उसके लिए मैसेजेस उनको भेज दिए गए हैं। कल सुबह से उनके मैसेज के आधार पर जब वो आएंगे तो उनके दस्तावेजों का सत्यापन करके उनका टीकाकरण करके उनको आधा घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, और ऑब्जर्वेशन के बाद में उनको उसके बाद उनको वहाँ से जाने दिया जाएगा। और यह प्रथम चरण में चार दिन, सप्ताह में चार दिन, यह 405 लोगों को टीका लगाया जाएगा। उसके बाद द्वितीय सप्ताह में फिर यह कार्यक्रम उसी तरह से चलेगा। 5,000 के लगभग टीके की ये प्राप्त हुई है, जो कि आगामी दिनों में जन समुदाय को गुना जिले में जो रजिस्टर्ड किए हैं उन लोगों को वैक्सीन कहाँ रखी गई है सर? वैक्सीन जिला वैक्सीनेशन सेंटर जो है वहीं पे कोल्ड चेन में रखी गई। कल कितने बजे शुरू हुई? 9 बजे। पहला टीका कैसे लगाया जाए? पहला टीका जो निर्देश शासन के जो अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी जो सफाई कर्मी उनको लगाया जाएगा। इसके पश्चात जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर जिनको मैसेज के माध्यम से आमंत्रित किया गया उनको दिया जाएगा। क्या तैयारियां की हैं? किसी को कोई दिक्कत होती है तो क्या तैयारियां प्रशासन? वहाँ पर एक मेडिकल ऑफिसर सेंटर पर उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा जो ऑब्जर्वेशन में भी वहाँ रहेंगे, जिला चिकित्सालय कैंपस में वो सेंटर बनाया गया है, तो सभी प्रकार के विशेषज्ञ डॉक्टर भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को इस वैक्सीन के बारे में शंका करने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और पूरी रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों द्वारा तैयार करके इसको उपलब्ध कराया गया है, तो इसका उपयोग करके कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए ये बड़ी ही उपयोगी वैक्सीन है। और मैं अपील करता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस वैक्सीनेशन के लिए आमंत्रित किए जाएँ वह सेंटर पर उपस्थित होकर ये वैक्सीन लगवाएं और स्वयं को और समाज को कोरोना से सुरक्षित रखें और बचाने में योगदान। अगला डोज कब दिया जाएगा सर? जिस व्यक्ति को कल डोज दिया जाएगा उसको 28वें दिन पुनः उसी कंपनी के उसी वैक्सीन का डोज दिया जाएगा, और उसके 28 दिन के